Praise the Lord. मौसम इस किस्म का है, बीमार होते हैं ठीक भी हो जाते हैं। मैं भी रात को बहुत नजरा से शुरू हो रहा था, लगता था कि लेकिन मैंने रात को जब अपना स्टडी कर रहा था तो दुआ की था खुदा हमारे साथ, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, बशर्ते कि हम दलेरी के साथ ईमान के साथ और दलेरी के साथ, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। ये जानते हुए कि हमारा खुदा आसमानों पर मौजूद है, अरे बात कर रहे थे जो खुदा को जानते ही नहीं, इतने कॉमन और वह नहीं मानो आप जाए उनके पास, जुल्म करेंगे आपके ऊपर। चाइना का हाल देखो, खुदा उनका शुक्र है कि आज चाइना में भी खुदा का कलाम सुना जाता है छुपके, यहां भी याद है, लेकिन वहां पर लोगों ने बंद नहीं किया, कंटिन्यूसली देयर प्रेइंग एंड वर्शिपिंग। बहुत सी कुर्बानियां लोगों ने दी, पीछे को नहीं देती है, अटैक हुए हम पर परेशानियां हुई, लेकिन हमने भी यहां पर इबादत बंद नहीं की, वी कंटिन्यू टू वॉक जनाब फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से, ए रबी हम जानते हैं कि तू किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से, गौर करने वाली बात है, आए रबी हम जानते हैं, शक को शुबा भी है, लेकिन यह भी इकरार कर रहा है कि हम जानते हैं कि तू किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से है। फिर आगे क्या हुआ, जी उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं, और जो मौजज़े तू दिखा रहा है वो कोई और नहीं दिखा सकता, इसलिए हमारा यकीन भी है, शक भी है, और कोई ऐसा कर नहीं सकता। फिर जब तक खुदा उसके साथ ना हो, जब तक खुदा के साथ जंग जिंदा नहीं लड़ता, जो हवा जंग कभी नहीं है, भाई ने भी कहा सकते जंग रहे, मौजज़ा जो तू करता है, जो अजीब अजीब काम तू कर रहा है, ये साबित हो रहा है कि तू किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ, तू खुदा की तरफ से है, क्योंकि ये काम दूसरा नहीं कर सकता। यस जी, आगे यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, अब सवाल जवाब शुरू होते हैं, लगाओ से जाना जरा, क्या सवाल किया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, देख नहीं सकता। जिक्र बादशाही का फिर हो गया, लगाओ से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। बादशाह का जिक्र शुरू हो गया, ये कलामे मुकद्दस जो है उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ के देखते, किंगडम ऑफ हेवन, खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही किस मकसद के लिए है, इससे बेहतर हम आगे जाए, मैं आपको तोरेत में चले जाए,
किसने पहली मिनादी की बताएंगे? मिनादी का जिक्र आ रहा जी सबसे पहली नबी पहले भी थे लेकिन मनादी नहीं करते थे। जो उन्हें कलाम या रूहानी कलाम उन्हें मिलता था, रोया मिलती थी, वो लोगों तक सिर्फ पहुंचा देते थे लेकिन मनादी का आगाज नूह ने किया। हाउ मेनी इयर्स? 120 years। इसलिए क्यों किया? क्या था उसमें? तौबा करो, बच जाओ, तौबा करो और आने वाले तूफान से बच जाओगे, आने वाले गजब से बच जाओगे। 120 साल के बाद हम नहीं पी पहुंचे का शुरू हो गया। ये मनाली सिर्फ तौबा की कलामे मुकद्दस का मकसद है कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, इसे जाने और समझे। अल्लाह ने ये निजाम शुरू से किया। दूसरी मनादी किसने की? तो रेत में है यूनान नबी। वेरी गुड। दूसरी मनादी किसने की? यूनान नबी ने दूसरी मनादी की और उसने भी क्या कहा था? तौबा करो क्योंकि अगर तुमने तौबा ना की तो खुदा का गजब नाज़िल होगा और तुम सब क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे। तौबा 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 रिपेंट रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। किसके लिए तौबा करनी इस माल की? हमेशा की जिंदगी की खादम दुआ भी आज करेंगे। जोसेफ साहेब कॉलेज में इकट्ठे थे क्लास से आपकी हम उम्र की डेथ हो जाती है घूम रहे ना उम्र तो हो गई मेरी भी ना रिटायर हो गए थे। याद रखने वाली बात यह है कि नादी मुनादी जब भी हुई किसके लिए हुई? तौबा की। आगे नहीं पढ़े जरा। निकोदिमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर वो नए सिरे की जब बात शुरू हुई तो उसने सोचा कि एक और जन्म होगा। वो जिस्मानी बातों की तरफ तवज्जो दे रहा था, नए सिरे से कर रहा। कैसे हो सकता? कौन ऐसा कर सकता है? यसु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो क्या होगा? वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। बपतिस्मा बादशाह की दाखिली नहीं है, याद रखना इस बात को। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो याद रखे आसमान की बादशाह का सर्टिफिकेट नहीं है। ये खुदा ये साफ खुदावन यीशु मसीह की मौत के मुशाबा हम उसमें शामिल होते हैं। याद रखें हम क्या करते हैं? खुदावन यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं। उसकी मौत के मुशाबा हम अपनी पुरानी इंसानियत को दफन करते हैं पानी में और जब उठते हैं तो एक नई आगाज करते हैं। इसमें पैदा ना हो खुदा की बात सुनिए
हर एक ने यही मना दिया, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। The kingdom of heaven is near. 2000 साल पहले, 6000 साल पहले यही मना दी की जाती थी। उसके बाद किसने मना दी की थी? नया नामे आ गए, योहन्ना ने मना दी। खुदावंद यीशु मसीह से उनकी उम्र 6 महीने ज्यादा था, ऐसा ही था। और वो उनका मसीह था, पक्का मसीह था। उसे गिरवा देने और ये बता दी जो हन्ना ने की। क्या कहा उसने? हन्ना ने तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। 2000 साल पहले आई नहीं बादशाही। और फिर कुछ लोग इधर उधर से सुन के लिखा हुआ यरूशलेम और यहूदिया से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। हन्ना ने क्या कहा था? किसने बता दिया है कि आने वाले गजब से बचो? तुम्हें किसने बता दिया है कि आने वाला गजब बड़ा सख्त होगा और तुम लोग बपतिस्मे की तरफ आ रहे हो, बपतिस्मा लेने आने आ रहे हो? आए शाम के लेकिन जब उन्होंने पैगाम सुना, क्या पैगाम था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। ये बादशाही खत्म होने वाली है। वो अभी बादशाही का इंतजार करिए, उसके चक्कर जाएंगे। अभी तो याद रखिए, किंगडम ऑफ हेवन रामी मुकद्दस का निचोड़ ही बादशाही उसी तरह का शगिर्दों नबियों ने यही कहा। जब लकर मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। याद रखिए कि हम इस तरह बढ़ रहे हैं, क्या हम बादशाही की तरफ जा रहे हैं? क्या हम उस बादशाही की तैयारी कर रहे हैं? अगली बादशाही जो आएगी पाकिस्तान में हो, दक्षिण की तैयारियां कर रहे, अगली बादशाही अगली मोहम्मद जी आएगी, पता नहीं वो एक भी पैरी हो गया। तज्जुब ना कर, क्या ना कर, ये जरूरी है। और उसने क्या कहा था कि हम जानते हैं, हम जानते जानते हैं। जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा और नए सिरे से पैदा होना क्या है, इस पर आएंगे हम। पहली मना दी हमने लोगों को सुनी, दूसरी मना दी युवा, पहली मना दी में 8 लोग, दूसरी मना दी में 120, 1,20,000 पूरा नैनवा शहर 1,24,000। क्योंकि क्या किया उन्होंने? मन्नादी को सुना और उस पर ईमान लाए और उन्होंने तौबा किया। दिखा हुआ है कि बादशाह भी अपने तख्त को छोड़कर नीचे राख पर आके बैठ गया और उसने भी मातम शुरू कर दिया। ये क्या होने वाला है? मेरा मेरी सल्तनत पूरी नेस्तो नबूद हो जाएगी। आपको याद होगा युद्ध नाराज हो गए थे, तौबा कर ली, कुछ बर्बाद ही नहीं हो बर्बाद हो। कब ये बर्बाद होगा? खुदा के मनसूबे बड़े क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया और तौबा की और यही उनकी बख्शिश। उन लोगों ने 120 साल तक बना दी थी, कितने साल? 120 साल। अब भी ऐसा ही होगा। यीशु के फिर इसके बाद किसने मनानी शुरू की? यीशु से क्या मना दी की? हाँ जी, 14:17 पढ़े।
चार बार सत्रह उन अल्फाज को गौर से कहां से शुरू हुई बादशाही की मनादी और चलती आ रही है, चलती आ रही है जी। मती की मती चार बार सत्रह है। उस वक्त से यस्सु ने मनादी करना, और जब यस्सु ने मनादी शुरू करना और ये की, और ये कहना शुरू किया, और ये कहना शुरू कर दिया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आसमान से वो तो बादशाही छोड़ दिया, वो उस बादशाही के बारे में जानता था क्या बादशाही है, होगी या थी, है भी और रहेगी, होगी बादशाही रहेगी। अगर बादशाही ना होती तो नो भी बना दी ना इसकी करता, और योना भी ना करता, और योहन्ना भी ना करता, और फिर उसने कट कर दी खुदा ने से बची गया। जो कुछ आप मर्जी करने के लिए, लेकिन इसने सिर्फ ये कहा है कि मैं इस वजह से पैदा नहीं कर सकता। मस्ट बी बॉर्न अगेन, मौजूद दिया जा रहा है आज का तब्दील लोग इस पर कर रहे हैं, वो जानते हैं शरीयत कानून तरह तरह की रस्में मिशने बादशाही ने की है। जो कोई और तौबा जब वो कर लेगा तो फिर वो नए सिरे से पैदा होगा, खुदा अब उसको दूसरा जन्म देने वाला है। पहले क्या करना, याद रखेंगे बादशाही है, बाइबल में इसका जिक्र है, पहली है गाजा जी मसीह रसूल की जी पर इतना जवाब दोबारा इस बात का कॉमन सुनाया थे आगे जरा, कौन सी ये बादशाही थी, कोई लोग गए वहां पर, कोई इसकी तस्दीक है कलामे मुकद्दस में, बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। जब मुकद्दस का पर्दा फट गया क्या हुआ है इसकी बात, यसु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर आप जान दे दी और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन गड़गड़ाई और चट्टाने तरस गई और कब्रें खुल गई और हैकल का पर्दा ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक और जमीन लर्जी। फिर क्या हुआ, चट्टाने तिड़क गई, फिर कब्रें खुल और कब्रें खुल गई, ये पहली क़यामत थी और यही वो लोग आसपास है जिनकी कब्रें थी। कब्रें जब खुल गई है वो जिंदा हो गए, लेकिन कब्रों ही में रहे जब तक खुदा ने यीशु मसीह को, इसका मतलब बादशाही है कि वो बस बात जो पहले थे कब्रों में मौजूद, कब्रें तिड़क गई खुल गई और ये लोग क्या हुआ, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, बहुत सारे मुकद्दसों के हर एक के लिए ये याद रखे, बहुत सारे मुकद्दसों के जिस्म जी उठे, ये थी पहली बात। ये वो लोग थे जो राष्ट्रवाद
क्यों रोका उनको, क्यों रुके रहे कब्रों में? यीशु मसीह के मसलूब होने तक, यीशु मसीह के मसलूब होने तक वो कब्रों ही में रहे। और जब खुदावन यीशु मसीह मरने के बाद कब्र में उतरे तो लिखा है कि वो दान दे, ऐसा ही था जी। उन लोगों के दरमियान जाके उन्होंने गवाही दी यीशु के, क्योंकि वो यीशु की गवाही के बगैर जा ही नहीं सकते थे जब तक वो यीशु के लहू की गवाही ना सुन ले। ठीक है, आगे समझ क्यों रुके रहे कब्रों में? यीशु ने अकबर कुछ और सुनना था, उस यीशु की गवाही सुननी थी, उसके लहू में उन्होंने भी रंगना था, ताकि जाने से पहले वो यीशु का इकरार करेंगे और देन दे विल बी टेकन टू हेवन। इस दौर हालेलुया एकदम बहुत बड़ी बात है। इसका सबूत है देर लगेगी, बादशाही बादशाही मौजूद है, और जो लोग तौबा करेंगे खुदावन के साथ जुड़ते हैं वो पुराने अहदनामे में है, मसीह के आने से पहले भी थे, खुदा ने उन्हें भी वो ही मौका दिया, वो ही जिंदगी। इतनी मनालियां, इतने क्रूसेड, इतने शोर शराबे हो रहे हैं रूसन में, अबादतों में सियासी लोगों ने उठाट तकरीरें शुरू हो गई। इस उस मलबे को इन लोगों ने नपाक कर दिया है, मौलवी साहब जूतियां पहन के ऊपर चढ़े हुए हैं, तकरीरें कर रहे हैं सियासतदान। ये कौन सी मनाती है, ये किस बादशाही की तैयारी आपको करा रहे हैं? नवाज शरीफ की बादशाही, इमरान की बादशाही, जो बेडन की बादशाही, ट्रंप की बादशाही है? किस बादशाही का वो जिक्र करता है? तू बात करो किस बादशाही का, हेलो एलिया जिंदा सवाल कर रहे हैं, सवाल है यहाँ उसी खुदा उनको कभी हुआ थी बताए क्यों नहीं हुई? वो चले गए, मरे मरे भी नहीं, वो जिंदा आसमान पर गए थे, वो कब्र में नहीं गए थे, इसलिए इनको जरूरत। वो जिंदा ही आसमान पर चले गए थे, वो कब्र में नहीं थे, और खुदावन यीशु मसीह जैसे इनके पास कब्र में गए, अगर वो कब्र में होते तो उनके पास पास हो जाए। जिंदा आसमान पर दो हस्ती उठा ली गई, मूसा का भी जिक्र है, याद रखे मौत के बाद एक और जिंदगी है। पहला जिस्म फानी है, क्या है? जो जिस्म से पैदा हुए वो जिस्मानी है, वो गर्क होंगे, वो खाक से पैदा हुए खाक ही है। खुदा यीशु मसीह जिस्मानी नहीं था, और वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, और वो रूह है और रूह जिंदगी है। रूह क्या है? जिंदगी है। जिस्म फानी है, फना होगा, और रूह क्या है? जब तक नए सिरे से पैदा रूह से पैदा ना होंगे आप नहीं जाओगे। रूह जिंदगी है, रूह जिंदगी है, यीशु जिंदगी। क्या मैसेज मिला था? रूल को दस्ती कुजर से पैदा होगा, और क्या करेगा? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात वो दे सकते हैं जो खुद से नदी लगता है। निजात वो क्या कहते हैं, गुरु नानक नहीं दे सकता निजात, कोई और खुदा नहीं दे सकता। आप वहां पर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, निजात वो नहीं दे सकते जो आज अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं। निजात वो दे सकता है जो खुद जिंदगी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, यस, जिंदगी क्या किसी का तो बदाम
क्यों तौबा करो जिसमान बादशाह मजबूत उसी की मौत के बाद एक बादशाह पहली क्यामत उसे पा गया अब दूसरी क्यामत के लिए अभी तो अगर आपने जिंदगी पानी है तो रूह को पाना और रूह यीशु मसीह जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो जिंदगी पाएगा क्योंकि वो रूह है और रूह जिंदगी है। ये ऐसे अगर आप मसीह हैं मसीह है ही नहीं तो आगे जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का क्योंकि रूह जिंदगी है बपतिस्मा जिंदगी नहीं है मिशना जिंदगी नहीं है पादरी की जिंदगी नहीं है मुक्सरस तरह की तलीमें दी जा रही है लोगों धक्के मारे जा रहे हैं बच्चों को गिराया जा रहा हूं रूप मिल गया रूह खुद आपको आके मिल जाएगा जब आप मांगे रूह कैदी नहीं है पास्टर अनवर फादर का या किसी और का या मेरा मैं ये नब्ज बातें हैं हाँ तो बात है ये नब्ज बातें हैं ऐसी दबाएंगे कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा के नाम को बेफायदा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेट की खातर अपने पेपर में लिखा था अपने पेट के नफा मशहूरी के लिए भी भाई ने बताया प्रोटोकॉल चाहिए दो दिन गड्डिया गए हो गनमैन हो जिंदगी है भाई वो ही अपने लोगों को उनके गिनाह में क्या करेगा क्योंकि वो रूह है और उसमें जिंदगी है दो मन अगर है लुक 24 बाब 47 से अदरा निकालेंगे बड़े जोर से कहा गया मना दी की जाएगी मना दी और हम देख रहे हैं कि शुरू से शुरू हुई और चल रही है मना दी की जाएगी यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तोबा और गुनाहों की माफी की मनाती और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तोबा और गुनाहों की माफी की मनाती यरूशलेम से शुरू होगी और सब कौमों में क्या होगा तोबा और गुनाहों की और गुनाहों की माफी की मनाती मनाती की जाएगी किसके नाम से की जाएगी किसके नाम से यीशु के नाम से क्योंकि यीशु रूह है और यीशु रूह है और रूह जिंदगी है वही जिंदगी वो आपको भी देना चाहता है तो लॉर्ड हालेलुया अकेला नहीं क्या कहा मुसीबत नाम ले जाने के पहले मार की किताब दूसरे बात में ठहरे रहना क्या करना असी रुके ठहरते आए तो लैके जाए अपने घर में अपने कमरे में बैठ के दुआ करें मांगे खुदा से खुदा जरूर आपको रूह देगा नहीं सुना मंगवा खुद मांगेगा और खुदा उस वक्त आपको देगा जब वो आपके अंदर को देखेगा इसके अंदर मैं हूँ क्या इसने मुझे अपनाया ढोल बजा लो नगमे गा लो जो मर्जी कर लो बड़ा तगड़ा प्रस्ताव है मैं सारे दिमाग भी देख रहे हो जादू है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह नहीं ये बात जान ले पावे डेडिंग करो तो पावे मेरे बाबू बना भी करो तो पावे जो मर्जी करो पावे थ्री पीस पाओ पावे चार पीस पहने आ दो It's only if Jesus is in you. और जब यह रूह आपके अंदर होगा तो उसके फल जाहिर होंगे जानते हैं ना आप जाहिर होंगे नजर आने चाहिए आपके गुफ्तगू से आपके कलाम से आपके काम से
मैं काफी साल से यहाँ पर हूँ, मेरी जहां मैंने काम किया मुस्लिम्स को दे नो जॉन इज अ क्रिश्चियन, ये मसीह है। और आज मैं आपको पता सोचिए मैं काफी काम बढ़ रहा है। आमीन। वो अपने वोटों के लिए कर रहे हैं, मसीह लोगों से वोट लेने के लिए, कोई बात वही उसकी जबान से यीशु का नाम निकला है, उसने इकरार किया है कि यीशु ही खुदावंद है। हर एक सल्तनत, हर एक बादशाह इस बात का इकरार करेगा। आखिर में कोई सल्तनत और नहीं। लोग यीशु मसीह जाने लगे थे छोटे बच्चों को, परेशान हो गए, अब हमारी कौन मदद करेगा, कौन भूखों को खाना खिलाएगा, कौन बीमारों को चंगा भला करेगा। उसी को देख के लोग और जाते हैं। उसने कहा क्या था जाके जब तक तुम कुवत का लिबास ना मिल ना जाए बाहर नहीं अंदर बनाओ सर उन्हें हम बनाओ कोई नंबरदारी दो चर्च में चर्च पार पार बर्बाद कर दिए चर्च में से या भाई वो पढ़ने पढ़ाने के लिए वो मैंने भेजा था आपको व्हाट्सएप में टीचर के बारे में बड़ा अच्छा था किसी ने लिखा सुनने वाली बात है टीचर से बचकर चलते हैं क्यों ताके कपड़े ताके हमारे कपड़े गंदे ना हो जाए छींटे ना पड़े हम पर और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं जब आप उससे बच के जा रहे हैं सब कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं ऐसी अपने आप में बदल जाए ये है तो कीचड़ से क्या करना है बचना ही ना खुदा का मकदस जहां पर है खैरा खजान के दूसरी तरफ नहीं है याद रखें इन बातों को बड़ा दुख होता है कभी कभी खुदा का मकदस यहां पर खुदा का घर यहां पर है हर घर खुदा का घर नहीं होता प्लीज इतने से देखता से देर से डर गए बचाए अपने आप को महफूज रखे कीचड़ कौन है शैतान है गुनाह है बुराई जो है वो कीचड़ है पति क्या है कीचड़ है ध्यान क्यों नहीं कुछ बढ़ना है ये भी चुने रहे बचना है कर्म जो मुझे ही मानो दो बात दैट कैन डू व्हाट यू वांट उसी खुदा में कितने बार चुनाव दफ्तर आते याद है मुस्त दिन में हमें भी ऐसे ही जंग लगे जंग जितना दिन लड़ता ही हुआ तो जंग कभी नहीं हार नहीं तो दैट सिर्फ यही है उसी दावत को कबूल कर तो बात उसने की बात बस जाए आखिर में भी लिखा होगा कि क्या होगी बनाने किसकी होगी तोबा की बनाती अब जो बादशाह है उसने तीन बादशाह प्रकाश राम पढ़ेंगे नहीं है खाते ग्रोलिंग में क्या है वो बादशाह कैसी बादशाही होगी इसके लिए ये बनाती की जा रही है हजारों सदियों से की जा रही है नो ने की यूना ने की यूहन्ना ने की और फिर खुदा यीशु मसीह ने खुद भी की कौन सी बात सही है ये कौन सी ये चीज है जो हमें देना चाहता है वो हाँ जी और द किंगडम ऑफ और जहां मैंने कहा वो तमाम से पहुंच भी करते हैं क्या हुआ वो जी समझो और फिर लानत ना होगी फिर क्या ना होगी लानत जो अब है वो ना होगी फिर और खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा और वहां पर तख्त किसका होगा जो बाइडन का नहीं होगा पोप का तख्त नहीं होगा किसका होगा खुदा का तख्त होगा हाँ जी और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और उसके बंदे क्या करेंगे उसकी इबादत भी करेंगे इबादत ही होती रहेगी जैसे आप भी हो रही है
फरिश्ते वहां मौजूद हैं और वो क्या कहते हैं, कदूस कदूस कदूस। हालेलुया हालेलुया। हर वो बच्चर जो वो कीचड़ से बच जाएगा वो आसमान की बादशाही में जाएगा, वो वहां दाखिल होगा और वहां ये ब्याह शादियां नहीं होगी। आप भूल जाएंगे, आपकी वाइफ वहां पर जोगी, आप नहीं बचानेंगे कौन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक दम में हम सब क्या होंगे, बदल जाएंगे। ऐ मेरा मुंडा पीछे गया है, दुबार पीछे लकवा मैं दुबारा नहीं दुबार भी दे रहा। अब एक पद में पद लाइफ कैसी सुनी सवेरे उठना है अली उठ जाके गाड़ी चलाने सवारियां नहीं होनी बंदे ढोने कदूस कदूस रस्ते से कर ये कुछ अरे गड्डी आ गई बस बैठ गए गाड़ी बच मार के क्योंकि क्या होगा यहाँ जी। और वो उसका मुंह देखेंगे अपने बादशाह का, उस यस्सु का जिसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का लिखा हुआ कि नूर बनी और वो जिंदगी उसने हमें बख्शी। और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा होगा, माथों पर लिखा होगा, और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के ना वहां सूरज होगा ना वहां चांद होगा ना वहां सितारे होंगे ना कोई जनरेटर होएगा की होगा, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। खुदावंद का नूर ही इतना उसने लिखा ना बाइबल पढ़ा। मैं दुनिया का क्या हूँ, नूर हूँ। और वो अब्दुल अलाबाद खुदा बादशाही करेंगे और वो लोग क्या करेंगे, बादशाही करेंगे। इसके बाद कोई और ये वो लोग हैं जो लिखा हुआ की आंखों पे क्या करेगा, आंसू पहुंचते मर गया समझो भी हो the Lord that is this is from the book the Napok the book the Napok from the Moja the Moja Naga Diga Khana Milega Paka Pakaya Paki 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 इतनी अजीब जिंदगी को सोचा भी नहीं होगा आपने। जो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, हर एक जवान इकरार कर दी यीशु ही खुदावंद और खुदावंद यीशु है और यीशु रूह है और रूह जिंदगी है जो वो आपको देना चाहता है। बहुत सारी हर एक आंख से देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उठ खड़े होंगे, भले वो वही रह जाए ना शामिल हो सके, लेकिन याद रखना उसी खुदा को जिन्होंने मसलूब किया था ये गुनाह उनके साथ नहीं रह गया। उसके बाद और गुनाह उन्होंने याद रखें जब तक आप नए सिरे से पैदा ना होंगे तब तक आप सिरे साथ नहीं नए सिरे से पैदा ये सुनिश्चित जिसमें मसीह का रूप नहीं वो मसीह का रूप।